हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है हमारा और उसका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ये डायग्राम आपको बराबर में दिया हुआ है, फिर भी मैं समझा दूंगा। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे ये? पहले मैं समझा देता हूं कि हुआ क्या है। यहां पर ये आपको एक बेलन दे रखा है, ठोस बेलन है, ध्यान रखें ठोस बेलन है, लकड़ी का मान के चले कि लकड़ी का है। अब क्या किया है इन्होंने कि इस ठोस बेलन के दोनों सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाल दिया है। तो ये एक अर्धगोला, ठीक है, निकाल कर फेंक दिया है, ये लो यहां रख देते हैं, ठीक है, काट कर यहां पर रख देते हैं। ऐसे ही इसके नीचे वाले सिरे से भी ये एक और अर्धगोला काट कर, ये अलग से निकाल कर यहां पर काट कर अलग कर दिया गया। तो अब जो बच गया है आपके पास वो कैसा दिखाई देगा? तो सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, यही चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपको क्या होगा जब आप देखोगे, क्योंकि लकड़ी का था तो ये सिलेंडर का, ये जो बेलन है, बेलन का ये वाला हिस्सा तो आपको दिखाई देगा जिसको वक्र कहते हैं। लेकिन जब तुम यहां से देखोगे, ये आपकी आंखें हैं, जब तुम यहां से देखोगे तो क्या दिखाई देगा आपको? आपको कटोरा दिखाई देगा, मतलब अर्धगोला दिखाई देगा आपको। इसी तरीके से जब इस बेलन के यहां वाले साइड से दिखा देखोगे आप, ये आंखें हैं, ये आप अगर यहां से देखोगे तो यहां पर भी आपको क्या दिखाई देगा? एक अर्धगोला दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो बच गया है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाएगा तो जो जो चीज आपको दिखाई देती है ना उसका एरिया आप लिखो यहां पर। तो ये जो आपके पास बेलन है तो बेलन का कौन सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। एक तो वक्र दिखाई दे रहा है, वक्र इस वाले पार्ट को कहते हैं, ये दिखाई दे रहा है आपको, जो कि होता है 2π r h, ठीक हो गया। प्लस जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये अर्धगोला दिखाई दे रहा है, और अर्धगोले ऊपर से भी दिखाई दे रहा है और नीचे से भी आपको अर्धगोला ही दिखाई दे रहा है, दोनों अर्धगोले एक तरह के हैं। तो 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2π r h तो आपका हो गया बेलन का, 2 गुणा अर्धगोले का क्या है, वो उसका होता है 2π r²। तो यहां पर ये देखे कि ये 2π r जो है ये बाहर आ सकता है, यहां पर भी देखे 2 है, पाई है और एक r है, तो 2π हमने बाहर कर लिया, अंदर बचा यहां से h प्लस बचा, और यहां से क्या बचा, 2 r बचा, ठीक हो गया। तो फाइनली हमें पता लग गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में आते हैं, ये है बेलन की ऊंचाई h जो कि आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार की त्रिज्या ये है त्रिज्या r जो कि 3.5 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या बेलन के लिए भी होगी, यही त्रिज्या अर्धगोले के लिए भी होगी, ठीक हो गया। तो 2 × 22/7, आर की जगह तो हम लिखेंगे 3.5 × ये जो एच है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, 10 लिख लिया हमने, प्लस ये है 2 × आर कितना है, 3.5, तो 2 × 22/7। अब ये जो 3.5 है ना, इसको हम लिख सकते हैं 35/10 गुणा 10 का 10 लिख दिया हमने, 2 को जब 3.5 से 3.5 से गुणा करेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक हो गया यहां तक। तो 2 × 22/7, 35/10 गुणा ये हो गया 17। अब हल करते हैं इसको, अब देखो हल कैसे करेंगे, ध्यान से, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10,
दो एकम दो, दो एकम दो, तो ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 22 गुणा 17। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 374 सब मीटर में है, देखते हैं मीटर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।